एक लार्जर इश्यू को एड्रेस कर रहा है। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ कि आपको शायद ये काम असाइन किया गया है कि क्योंकि मैं आ रहा हूँ कि संजय भट्ट दत्त पे एक बाइट ले आया हूँ। संजय दत्त का इशू बहुत सिंपल है, उसने खुद अपने अपनी जबान से खुद कैमरा के सामने कहा है कि वो सजा भोगने के लिए तैयार है। जो सबको सजा मिली है वैसे वो भोगेंगे, मगर उसके कुछ लीगल ऑप्शंस हैं जो वो एग्जॉस्ट करेंगे। और राजू साहब और हम कुछ लोग हैं जिन्होंने फरियाद की है। अब हमारे जो माए बाप हैं वो मर्सी के लिए की भी हमारे झोले में डालती है या नहीं वो उनके ऊपर है, मगर ये द नैरेटिव ऑफ संजय दत्त इज ओवर। अब उसमें कुछ बचा नहीं है, कुछ कानूनी दाव पेश हैं जो उसके लॉयर्स जो हैं लास्ट ब्रेथ तक इस्तेमाल करेंगे। और हम क्योंकि हम गरीब के लोग हैं, हम अपनी तरह से करुणा की भीख मांगेंगे, हमको मर्सी मिले ना मिले वो उनके ऊपर फिर छोड़ दिया हमने। बाकी ये इसको एक पॉलिटिकल इश्यू बनाना, ये मुझे लगता है कि हमारे इस फ्रेमवर्क से बाहर है क्योंकि हम जाति तौर से कनेक्टेड होंगे। सो साहब ने कहा था कि आइडियोलॉजी ऑफ अल-कायदा एंड तालिबान वाज नॉट कन्फ्रंटेड बाय द मुस्लिम उलमा। आई थिंक द स्टोरी हैज बीन अदरवाइज, दे हैव बीन कन्फ्रंटेड, दे हैव बीन कंडेम्ड, देयर हैव बीन नेशन वाइड मूवमेंट्स टू डिसवेड यंगस्टर्स फ्रॉम थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड ऑल, एंड आई थिंक इंडिया हैज बीन लीडिंग इन दिस फील्ड एंड आई एम पार्ट ऑफ इट। हां चलिए चलिए, सो नहीं नहीं हाँ ये सही कह रहे हैं। जमीयत के मंच से हमने वहाँ पर रामलीला मैदान में वो एक आवाज़ उठाई कि इस्लाम में कहीं पर टेररिज्म जो है वो जायज़ नहीं है। और हम इनफैक्ट महमूद साहब ने वहाँ पर फतवा इशू किया था कि ये बिल्कुल गैर इस्लामी है।